अभी मैंने सुन रहा था, देखते थे वो जो लुक आ रहे थे आपके अलग अलग, तो एक हॉलीवुड रॉकस्टार की फील आ रहा था कि हॉलीवुड रॉकस्टार कोई गाना गा रहा है। हाउ स्वीट, थैंक यू. हाँ हाँ तो लुक्स की बात करें तो जब आप लिपस्टिक की बात करें, कॉस्ट्यूम की बात करें, तो ये पहली बार आपने इस तरह का कपड़ा वेयर पहना है, लिपस्टिक लगाया है? यस, एज इन वी डू वेयर नाइस क्लोथ्स, बट ये दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ स्टाइलिंग. और मुझे ऐसे तो मेरे व्यूअर्स ने क्या, मेरे दोस्तों ने भी नहीं देखा है आज तक, तो मैंने खुद ने देखा है, बिकॉज आई डू लाइक डूइंग समटाइम्स, बट फॉर माई सेल्फ. बट कभी इतनी फुल ऑन आई हैव नॉट डन इट लाइक दिस. और म्यूज़िक वीडियो का तो वही तो अच्छी बात है ना, यू कैन रियली हैव फन इन म्यूज़िक वीडियोज, देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस. सो या मेरी टीम को लगा के हम लोग ये करना चाहिए. एंड तो कॉस्ट्यूम की और मेकअप की बात हो रही थी। जी, सो या मैंने खुद को उतना ऐसे देखा नहीं है, बट मेरे दोस्तों ने भी मुझे ऐसे नहीं देखा है, फगर माई पेरेंट्स एंड तो ऑडियंस ने तो नहीं देखा है फॉर श्योर. सो इसलिए वी थॉट दैट इट्स ओके, म्यूजिक वीडियो इज सपोज टू बी फन ऑल्सो, लाइक एंड इट्स अ फन सॉन्ग, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो हमने सोचा चलो करते हैं. एंड देन माई टीम दे ऑल रियली बिलीव्ड कि आई कैन पुल इट ऑफ. आई हैड नो कॉन्फिडेंस कि आई गुड पुल इट ऑफ. तो हमने फिर किया वो, एंड आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट्स, आई एम हैप्पी. फाइनली फैन, आपके फैन को एक सिंगल आपका गाना मिला आई है, और नो. सो व्हाट देयर रिएक्शन इन कमेंट्स, वन ऑफ देम ब्यूटीफुल कमेंट जो आप शेयर करना चाहें हमसे? मैंने अभी तक तो वैसे पढ़े नहीं है कमेंट्स, जी टाइम ही नहीं मिला. बट आई थिंक दे आर रियली सरप्राइज्ड विद द लुक, एंड दे आर हैप्पी दैट आई, दे आर सेइंग दैट इट्स डिफरेंट. और हमने इतना कुछ किया भी नहीं, इट्स अमेजिंग ग्राफिक्स एंड गुड स्टाइलिंग एंड यू नो गुड डिफरेंट यूनिक या लाइक थोड़ा डिफरेंट लुक फॉर हम लोग. वी डिडंट प्ले सेफ. हम लोग यूजली मेरे ऑडियंस मुझे पसंद करते कि आई लुक लाइक स्वीट सिंपल, वैसे ही रहूँ. वो तो रहती हूँ मैं वैसे तो नॉर्मल, आई एम लाइक दैट. बट जब एक म्यूजिक वीडियो करते तो देर इज इट्स फन टू एक्सपेरिमेंट. और आई थिंक एक्सपेरिमेंट हमारा सही गया, क्योंकि वी हैव 90% पीपल हैव लाइक्ड इट. सो एंड इंडस्ट्री के सब ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, दे आर रियली राइटिंग अमेजिंग मैसेजेस. या वरुण धवन, वरुण ने ट्वीट किया, आई नो रणवीर जय ने ट्वीट किया. एंड देन इट्स वेरी स्वीट टू सी दैट हमारे श्याम कौशल जी, आई रियली एडमायर हिम, आर्ट डायरेक्टर, ही इज़ लाइक, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया वो इस लड़की को, तब उस दिन जब उस तब जब मिले थे, अभी देखो एंड ही इज़ सो प्राउड ऑफ यू, दे ऑल आर राइटिंग सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज दे नो दैट आई प्रोड्यूस्ड इट ऑल्सो. सो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड हम्बलिंग टू या सुजीत दा ने रिट्वीट किया, तो मैंने सुजीत को बोला थैंक यू फॉर रिट्वीटिंग. सो इट्स नाइस दैट दे आर ऑल सपोर्टिंग. ये कितना मानती हैं कि सिंगर के साथ एक लिरिक्स जो राइटर होते हैं, गाना लिखते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले जी करते हैं, बिकॉज अगर वो अच्छा नहीं लिखेंगे गाने का मतलब ही तो अच्छा अच्छे से बाहर नहीं आएगा. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अमिताभ भट्टाचार्य, ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑल्सो. और उसने लिखा मेरे लिए मेरा पहला सिंगल, सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी दैट ही डिड दैट. और आई एम ऑल्सो वेरी लकी टू फाइंड दिस अमेजिंग म्यूजिशियन एंड प्रोड्यूसर कॉल बर्ट फ्रॉम एले, जिसने एंड सच अ स्वीट गाय, सच अ हम्बल गाय. उसने बार बार रेक्टिफाई करके मुझे प्रॉपर ट्रैक भेजा, एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब विद इट. सो या सारे एक एक इंसान का काम नहीं होता है, सब मिलके होता है वो. सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करती हैं आप, जो सिंगल सॉन्ग निकाला वो या पिक्चर के लिए प्लेबैक सिंगर गाना? एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन चार्म. या आई प्लेबैक सिंगिंग इज़ नॉट द टर्म आई वुड यूज़, बट एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत खुशी मिलती है. बट ये सिंगल का भी वो एक्स्ट्रा एक फ़न है कि आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड. मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, और जो भी बोलना चाहती हूँ ऑडियंस को बोल सकती हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे कोई फिल्म के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके वैसा ही बोलना है. सो दैट वे इट्स फन. बट अगेन प्लेबैक सिंगिंग इज़ फन बिकॉज यू आर सिंगिंग हाउ डू आई से देयर सच बिग सॉन्ग्स, इट अल्टीमेटली बिकम्स रियली बिग एंड इट्स फन टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग वेंचर विच इज़ अ मूवी. या रिसेंट कोई बॉलीवुड का ऐसा सॉन्ग जो ज़्यादा पसंद आया हो आपको सुनने के बाद? आई थिंक मुझे अरिजीत का बिन तेरे दिल बहुत पसंद आया. टू लाइन्स इतने अच्छे से नहीं आता मुझे, बिन तेरे इतना मुझे याद है. ये मानती है कि फैन की बात जब भी आती है, तो जैसे आपका गाना है मोह मोह के धागे, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, फिर थैंक यू. इस तरह का सिंगर निकालना थोड़ा एक्सेप्ट करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर लोग चाहते हैं कि आपको वही रूप और वही टोन, वही जोन में आपको देखें?
कि पहले जब मैंने करियर चालू किया था तो जरा जरा टच में से किया था, सो लोगों को वही चाहिए था इंडस्ट्री में, मुझे लगा कहा यही गाना चाहिए उसको, ये बहुत अच्छा गाती है, ऐसे सेडक्टिव एंड यू नो ऐसे गाने, बट देन मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू टेल पीपल नो प्लीज़ गिव मी ठुमरी, प्लीज़ गिव मी क्लासिकल, प्लीज़ गिव मी सेमी क्लासिकल, तब जाके सवालू हुआ, जब सवालू आगे भाई वो जो भी हुआ उसके बाद लोगों ने मुझे दे गिव मी दिस आइडेंटिटी ऑफ दे लव्ड मी फॉर, सो आई हैव टू जो मैं बिलीव करती हूँ वो मुझे उनको देना है, फिर वो धीरे धीरे आई एम श्योर दे विल गेट यूज टू इट इफ इट इज़ गुड स्टफ, सो क्योंकि वो लोग यूज्ड, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ सिंगल्स में मुझे सेफ नहीं खेलना है, वो तो मैं मूवी सॉन्ग्स में हम खेल ही रहे सेफ, वो जो उनको जैसे वो लोग मुझे सुनना चाहते हैं वो गवा रहे हैं वैसे, बट सिंगल्स इज समथिंग जहाँ पर मुझे पता है कि दिए मैं पसंद करती हूँ ऐसे मैं कर सकती हूँ तो वो मैं दूंगी, फिर आई होप के ऑडियंस को धीरे धीरे वो इवन इफ इट इज डाइवर्स वो पसंद आए एंड दे एक्सेप्ट इट। सो यू एंजॉयड योर लाइक डांसिंग इन तमन्ना, या या द फर्स्ट टाइम यू डिड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी डांस तो मैं बचपन से ही एंजॉयड, वो कभी मैंने प्रोफेशनली किया नहीं, फ्रंट द कैमरा। Yes, so वही मैंने professionally dance नहीं किया, but I had been dancing since childhood. That's a constant thing in my life. So through singles I'm giving it out to people. Yes, अभी तो ये पूरा dance भी नहीं, I was just moving and grooving to the thing. Choreography वैसे नहीं किया हम लोगों ने कुछ भी, but yes, I enjoyed a lot because I really love dancing. Like that's one of my biggest passions, you can say. गानों की बात करें तो एक गाना ऐसा होता है या एक दो तीन होते हैं जो रात में हम सोते टाइम सुनते हैं काफी पसंद आता है, वो क्या है आपके लिए? ऐसे मेरे काफी सारे गाने हैं बट जो आप रोज सुनती हैं, रोज सुनना पसंद करती हैं? अभी तो नहीं सुनती हूँ क्योंकि अभी पूरे दिन में ही सुनना होता है, तो रात को कोई गाना नहीं चाहिए मुझे, रात को मुझे सोना चाहिए बस, कोशिश वही रहती है, बट आई लाइक एड शीरन्स परफेक्ट, अभी जो नया गाना निकला वो बहुत पसंद है मुझे, अदरवाइज आई लाइक आओगे जब तुम साजना, राशिद खान साहब का ब्यूटीफुल सॉन्ग, देन आई स्टिल आई लव्ड ये मुझे अरिजीत से भी ज़्यादा मुझे पसंद है राहत फ़तेह अली खान साहब वर्जन, दैट इज़ मैं तैनू समझा कि, दोनों वर्जन भी बहुत अच्छे क्योंकि गाना बहुत अच्छा, बट मुझे पंजाबी वर्जन ज़्यादा पसंद है। इट मींस यू बिलीव इन ओरिजिनलिटी जो No, not exactly. It's just कि वो मुझे पंजाबी वाला वर्जन अच्छा लगता है लिरिक्स वाइज, और वो वाला भी बहुत खूबसूरत है, बट वो राहत जी का गाया हुआ वो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। And recreation? Recreation के बारे में क्या बोलना है? मतलब recreation पसंद है songs के? It's not a bad thing. जब तक original गाने से better करेंगे अच्छा है। Mother's Day celebrate किया हो बचपन में, कोई एक पल याद है Mother's Day celebration का अपनी mom के साथ? I used to celebrate Valentine's Day with them. Not Mother's Day. Okay. Valentine's Day celebrate करती हूँ। So lastly जाते हैं तो अपने viewers को अपनी song के बारे में क्या है? ये बहुत ही okay तमन्ना मेरी दिल की तमन्ना है basically. It's my first single और I tried to make a fun song और हमने खुद बहुत मजे किए. I hope कि you guys enjoy it. Please सुनिएगा गाना और let me know how you like it or you do not like it. And yes, we have worked hard and I hope you guys enjoy it. Thank you so much.